अब मैं आपको अपने व्लॉग में मिलाने जा रहा हूँ हमारी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, कितनी बार मेरी मदर बन चुकी हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मम्मी है। हाय, मेरा नाम अंजुम आरा है, और अंजुम कह सकते हैं, अंजुम आरा। या वाह, बड़ा प्यारा नाम है, आरा ना लास्ट में, आरा सरनेम आपका। आरा, आरा लगाती हूँ मैं। अच्छा, और मैं सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे सीरियल कर रही हूँ। सीरियल में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जितने भी एपिसोडिक्स होते हैं वो तो, हाँ वो तो करती हूँ। इसके अलावा जैसे अहिल्या बाई, रुद्रमा, बालाजी। अच्छा। की काफी सीरियल देखा होगा, शक्ल देखी भी लग रही होगी कि काफी कुछ देखा है, बहुत सारे सीरियल की। मैंने खुद देखा है, मैं तो शशि सुमित के भी काफी सीरियल किए हैं, रश्मि शर्मा के भी काफी सीरियल किए हैं, काफी कुछ किया है मैंने। वही तो, मैं तो खुद आपको इतने टाइम से देखता आ रहा हूँ, तो ऑडियंस कितना दिख रही होगी। मतलब मोस्टली जितने एपिसोड मैंने देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको देखे ही हैं, ज्यादातर तो सावधान में ही देखा है। तो बस मेरा प्रोफेशन यही है। अच्छा, शूटिंग करना सीरियल। मैम कितने टाइम से आप हो इसमें? मैं 20 years से हूँ, मैं वैसे लीड से हूँ, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। हाँ। और लखनऊ में मैंने काफ़ी कुछ किया है, दूरदर्शन, स्टेज शो वगैरह वगैरह बहुत कुछ किया है। मतलब 20 years हो गए। 20 years तो मुझे बॉम्बे में हो गया, उससे पहले मैं लखनऊ में थी, यूपी, वहाँ के काफ़ी कुछ सीरियल्स, स्टेज शो वगैरह किए। तो यहाँ पे जब आप आई तो ऑलरेडी शादी वादी करके या फिर? नहीं, यहाँ जब आई तो मेरे बच्चे भी थे। लेकिन मुझे बहुत काम मिला और काफी कुछ किया काम। मोस्टली बॉम्बे ऐसे ही लोग आते हैं, रहते एक्टर हैं, और अगर एक बार बॉम्बे आ गए ना तो फिर तो उनकी नैया पार हो ही जाती है। और आप तो शादी वादी करके, बच्चे भी थे आपके तब आप आई तो भी काम मिला और बहुत काम किया। बालाजी के तो काफी सीरियल किए, जो धाक भर जैसे है, चंद्र नंदिनी है, अच्छा, बंदिनी है, तेरे लिए है, तेरे लिए है, सो अभी तो तेरे लिए है अभी मैं नहीं, अभी ठीक है। अभी कौन सा रनिंग शो है? अभी तो मैं यही सावधान इंडिया कर रही हूँ आज तो। अच्छा, इसके बाद मुझे सोचूंगी कि क्या करें। अहिल्या बाई कर रही हूँ, अहिल्या बाई राधा बाई का कैरेक्टर कर रही हूँ। ये कौन सा, स्टार प्लस पे है ये? नहीं नहीं, स्टार प्लस का नहीं है, ये सोनी का है, लेकिन वो मैं कर रही हूँ। कि जब आपने मुंबई में आकर करियर शुरू किया तब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि आसानी से? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। फटाफट काम मिलता था और एक एक दिन में दो दो जगह से, इधर से उधर से, बिजी बिजी बिजी, बस बहुत अच्छा लगा। लेकिन काम के साथ ही मैंने अपने बच्चों को नहीं भूला। हाँ। और सोशल लाइफ नहीं छोड़ी। तो आपको फैमिली भी बड़ी सपोर्टिव मिल गई? हाँ, काम मिल गई, सबको सपोर्टिव मिल गई, मैंने किया काम, काफ़ी कुछ किया। और जब लखनऊ में जब आप थिएटर वगैरह करती थी तो ऐसा कैसा कुछ शोज से एंट्री मिली या फिर कॉलेज मोस्टली जब मैं छोटी थी, या कह दिया जाए कि मैं 12th कर रही थी या ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं कम से कम हाई स्कूल से ब्यूटी क्वीन थी, कॉलेज से ब्यूटी क्वीन उस समय थी। वो तो आप अभी भी हो। अब तो नहीं, अब तो टाइम ही ख़त्म हो गया, लेकिन पहले मैं थी कॉलेज में ब्यूटी क्वीन। अगर कोई लोग जानते होंगे तो वो देख रहे होंगे, समझ आपको माइक लगा हुआ? नहीं मैम, आपको लगा हुआ? अच्छा, तो शुरुआत एक्चुअली वहीं से हुई। हाँ, कॉलेज से हुई, कॉलेज के ड्रामे से। उसके बाद फिर मैंने एक शो किया दूरदर्शन का, लखनऊ। अच्छा। दूरदर्शन का। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा लगा सबको, फिर मैं तो मेरी लाइन ही चल गई, फिर तो मैं रुको भाई, इधर से उधर से उधर से सब तरफ से काम आने लगा। पर फिर एक स्टेज वाले मुझे खचीट कर ले गए कि चलो स्टेज करो, स्टेज किया, तो वहाँ से मुझे कंपेयरिंग भी करते थे, कंपेयर भी करते थे स्टेज के ऊपर माइक लेकर। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले मैं वो भी करती थी, स्टेज के लिए मुझे ही बुलाया जाता था। अगर कोई लखनऊ का देख रहा होगा तो वो भी समझेगा, समझ जाएगा कि अंजुम है। बच्चे भी मेरे बड़े हो गए और तो बच्चों को भी अच्छी जॉब कर रहे हैं। एक बच्चा तो मेरा पढ़ रहा है स्टडी पीरियड में। अच्छा। और बाकी दो बच्चे को कभी उन्होंने ये नहीं कहा मामा मुझे भी एक्टर बनना है? नहीं नहीं, वो लोग को स्टडी बहुत ही, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे उनको नहीं अच्छा लगता ये सब। अच्छा, नहीं अच्छा लगता। बाकी उनको भी आपने छूट तो ऐसे दिया होगा कि अगर बनना है तो मैं भी एक्टिंग करनी है। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं कभी कभी थोड़ा बहुत काम करवा भी देती हूँ छोटे बच्चे को। अच्छा। छोटी बेटी को करवा भी देती हूँ, करता भी। ओके, अगर कोई फीमेल जैसे आप लखनऊ से पहले पढ़ाई करती थी तो आपने थिएटर वगैरह एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन वगैरह उस तरीके से कुछ किया था? वैसा तो कुछ नहीं किया है मैंने, लेकिन हाँ थिएटर किया है। थिएटर? हाँ, दर्पण से मैं प्लेस करती थी, बड़ा मजा आता था करने में। लखनऊ क्या लाइफ थी वो। हाँ। और मुंबई में आने के बाद यहाँ प्ले नहीं की, यहाँ तो सीरियल से फुर्सत नहीं।
यहाँ तो मुझे सीरियल से फुर्सत नहीं, इसलिए मैं यहाँ सीरियल करती हूँ और पैसा भी मिलता है। मतलब कोई भी थोक से सीरियल है इधर तो। हाँ वही तो, बॉम्बे में तो काम की तो वैसे ही कमी नहीं है। बाहर भी जाती हूँ, आउटडोर भी शूट करती हूँ और काफ़ी सीरियल मैंने आउटडोर भी की हूँ। मेरा जो बेटा है छोटा वाला, तो वो उसका है एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा। हाँ उसका नाम है टिप्स लैंड हेयर। टिप्स लैंड हेयर, अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। और किस तरह के वीडियो बनाते हैं वो? वो इस तरह की, एक तो व्लॉग बनाता है कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैसा है, कहीं घूमने गया है तो वहाँ पर क्या है, क्या देखने की चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरी बात वो बनाता है कि अगर अपने आप को फिट कैसे रखना, अपने आप को ब्यूटीफुल सुंदर स्मार्ट कैसे बनाना, बालों की केयर कैसे करनी है, वो ये सब बनाता है। स्किन कैसे अपनी रखनी है, अपनी केयर कैसे करनी है, तो वो बताता है, लेकिन घरेलू चीज़ों से। मैं तो बोलता हूँ मैम आपको भी ना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और एक्टिंग ऐसे जो भी नॉर्मल आपने सीखा है वो लोगों को हेल्प मिलेगा। एक जो छोटे गांव में है जो नहीं सीख पा रहे हैं उनको भी एक एक्टिंग की ऐसे क्लासेस मिल जाएगी। बट ये तो एक्टिंग तो एक गॉड गिफ्टेड भी होती है और फिर थोड़ा बहुत अपना करते करते भी आ जाता है, तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल लोग करते हैं ये सीखो, इतना पैसा लगाओ, ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है, अपने आप आती है एक्टिंग। जो घर में करते हैं, जो घर में डायलॉग्स बोलते हैं वही होते हैं सीरियल में। बस कुछ नहीं, कोई खास नहीं है, मैं तो ये सोचती हूँ। बस आप थोड़ा सा प्लेज वगैरह अगर कर लो तो अच्छी नॉलेज हो जाती है। बहुत तो, जल्द आपको दिखेंगे, मेरी मदर का किरदार कर रही हैं, मैं इनके बेटे का किरदार कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ये एपिसोड आ जाएगा। जब भी आएगा तो लिंक भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा लगा अंजू जी आपसे मिल करके, बहुत ही बढ़िया लगा वाकई। ऑल द बेस्ट। लास्ट में मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, जो भी कुछ मैंने अभी बातचीत आप लोगों से की है, तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको इस तरह की और बहुत सारे प्रोग्राम इसी पर मिलते रहे। इस चैनल जितने भी बिहाइंड द सीन्स हैं सावधान इंडिया के, क्राइम पेट्रोल के, वो सब कुछ आपके इस चैनल पे मिलेंगे। और ऐसे ही सारे एक्टर्स के साथ अब मैं बातचीत करता रहूँगा, उनका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करता रहूँगा, जितने भी बिहाइंड द सीन्स ऐसे होते हैं। तो बिना लाइक और सब्सक्राइब के तो जाइएगा बात।